When I Utkasha Singh, lecturer, Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Students, today we are going to learn about routine testing on induction motor. In previous video, you have learned about the type of testing in induction motor. Learning outcome After watching this video, you will be able to learn.

रोटर वाइंडिंग का इन केस ऑफ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हम रेजिस्टेंस यूज करते हैं तो वहाँ पे हम इसका टेस्ट हम वहाँ पे कर सकते हैं ठीक है जो वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की उसकी जो वैल्यू है वो पॉमिसिबल लिमिट के अंडर में होनी चाहिए ना कि परमिशिबल लेवल से बियॉन्ड ये टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू चेक वेदर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अंडर द परमिशिबल लिमिट और नॉट जो वैल्यू है रेजिस्टेंस का वो परमिशबल लिमिट के अंदर ही है कि उससे आउट ऑफ है कि ज़्यादा है कि रेंज में है ये सब चेक करने के लिए मेजरमेंट ऑफ डी सी किया जाता है सी अगर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड रही मतलब ज़्यादा हो गई जितनी एक रिकॉर्डेड uh, एक रिकॉर्डेड uh, है उससे ज़्यादा हुई तो क्या होगा मशीन में कॉपर लॉस इंक्रीज होगा ठीक है बिकॉज ऑफ दैट परमिशिबल लिमिट अगर आपका परमिशिबल लिमिट नहीं है तो वो आपका जो लॉसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा उससे आपकी जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी मतलब रिड्यूज़ होगी एंड विच विल गिव अ टेम्परेचर राइज और आपका जो मोटर है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होगा ज़्यादा होगा इट विल डैमेज द वाइंडिंग्स और एंड द इंसुलेशन विच ओवरऑल एफेक्ट योर मोटर सो परमिसेबल लिमिट में आपका डीसी रेजिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मोटर के लिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके ठीक है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है मतलब एक एक्यूरेट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर ये इफ़ इट इज़ फाउंड अगर ये देखा गया कि जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है अननेसेसरली बहुत ज़्यादा है तो उसको फिर उस परमिसेबल लिमिट तक लेके लाना पड़ता है so to perform this test first we have to give a dc supply to the motor stator ko aap dc supply doge theek hai dc supply hum provide karenge induction motor ko ab kyunki induction motor ek ac motor hai to तो, और हम उसको dc का input दे रहे हैं तो उसमें कोई भी voltage इंड्यूस नहीं होगा rotor में ठीक है एंड नो करंट विल मूव इन द डीसी कोई करंट भी मूव नहीं करेगा डी सी में जो रिएक्टेंस है हमारे मोटर में लगे हुए हैं द रिएक्टेंस ऑफ द मोटर विल बी ज़ीरो बिकॉज ऑफ डी सी क्योंकि डी सी वैल्यू है आपकी कोई वोल्टेज इंड्यूज़ नहीं हो रहा है मोटर में एंड बिकॉज ऑफ दैट देर विल बी नो करेंट सो द ओनली एनिमेंट अब यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसके जिसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है एंड दैट इज द स्टेटर रजिस्टेंस ऑफ द स्टेटर जो स्टेटर का रजिस्टेंस है उसी के थ्रू हमारा करंट फ्लो हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ डी सी इनपुट ठीक है सो सो द ओनली एनिमेंट विच रिजरिंग द करेंट इन द मोटर इज द रजिस्टेंस ठीक है नाउ

उसमें आपने देखा था कि दो टर्मिनल्स जो है वो डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है ठीक है ना जो करंट है एट द स्टेटर उसे हम एक रेटेड वैल्यू प्रोवाइड करेंगे एंड देन जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड है दैट वोल्ट मीटर विल कैलकुलेट द वोल्टेज अब वो वोल्ट मीटर वोल्टेज कैलकुलेट करेगा नाव द करंट एट स्टेटर इज सेट एट अ रेटेड वैल्यू अब जो हमने करंट को एक रेटेड वैल्यू पर सेट किया था उससे हमें एक मोटर uh, की जो हीटिंग कंडीशन है वो मिलेगी ऑब्वियसली क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस में कुछ तो करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर वाइंडिंग्स में वाइंडिंग जो है वह आपकी हीटअप होगी टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वी नो कि स्टेटर के टू टर्मिनल्स हैं जो कि डीसी इनपुट से कनेक्ट हैं ठीक है अब वहाँ पे करंट भी फ्लो हो रहा है द करंट मूव थ्रू टू वाइंडिंग्स सो वी कैन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट अब आप टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है विच इज गिवेन एस टू आर वन ठीक है ना फॉर्मूला टू आर वन इज इक्वल टू वॉट दिस इज द ओम्स लॉ दैट इज आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई न कैलकुलेट टू आर इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन आई डी सी सो वी कैन फाइंड दर वन की वैल्यू क्या उसकी टू आर वन इज इक्वल टू वी डी सी अपॉन टू आई डी सी ना बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर वन जब आप आर वन की वैल्यू आपको पता चल जाती है जब बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर वन स्टेटर लॉसेज एज द स्टेटर लॉसेस एट द स्टेटर कैन बी मेजर अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाती है देन यू कैन कैलकुलेट द स्टेटर लॉस स्टेटर में कितना लॉस हो रहा है यू कैन कैलकुलेट कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर वन. एंड यू ऑल्सो कैन कैलकुलेट द रोटर पावर ओके रोटर लॉसेज जो होती है वो भी यू कैन कैलकुलेट बाई एलिमिनेटिंग स्टेटर लॉस फ्रॉम द इनपुट पावर डी सी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आप स्टेटर लॉस और रोटर लॉस कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है सो वेन यू चेक द डीसी रेजिस्टेंस एंड इफ यू फाउंड दैट द रेजिस्टेंस वैल्यू इज नॉट बीन्ड द परमिशिबल लिमिट देन इट इज़ ओके योर मोटर विल वर्क एज पर अकॉर्डिंग टू इट्स लाइफ स्पेन अगर आपका मोटर की जो वैल्यू है वो प्रॉपर है परमिशिबल लिमिट के अंदर है आपकी मोटर की लाइफ स्पैन अच्छी रहेगी योर मोटर विल गिव अ गुड एफिशिएंसी बट इफ़ योर मोटर इज हैविंग अ एक्सीड द परमिसेबल लिमिट देन देयर इज अ प्रोसेस टू मेक दैट रेजिस्टेंस इन दैट परमिसेबल लिमिट तो उसको परमिशिबल लिमिट्स के अंदर में लाया जाता है ठीक है

मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ओके वी ऑल नो की लाइफ ऑफ एलक्ट्रिकल सिस्टम जो होता है या मोटर उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसकी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोटर्स के ऑपरेशन होते हैं या मोटर जब किसी इन्वामेंटल फैक्टर जैसे कि डर्ट ग्रीस टेम्परेचर या स्ट्रेस वाइब्रेशन के कॉन्टैक्ट में आता है देन

सो एन एफेक्टिव मोटर रेजिस्टेंस अगर आपको एक अफेक्टिव इंसुलेशन रेजिस्टेंस चाहिए तो वो एटलीस्ट हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन फ्यू मेगा ओम मतलब आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए उसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए विच इज़ ग्रेटर देन मेगा ओम ओके ना प्योर इंस जो पोअर इंसुलेशन होता है उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लोअर होता है एंड द रेजिस्टेंस ऑप्टिमल मतलब जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस एक मोटर की होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं बाय द मैनुफैक्चर स्पेसिफिकेशन मतलब वो मोटर कहाँ से बन के आई है ठीक है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है कौन से इन्वामेंट पे वो लोकेट होने वाली है ये सारी चीज़ें देख के फिर आपके मोटर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक किया जाता है ठीक है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को चेक करना बहुत इजी है इसको दो तरीके से चेक करते हैं फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम या तो मेगर से करो या तो एक मेगा ओम मीटर आता है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम मेजर करते हैं फेज वाइंडिंग में देखो आपको पता है कि इंडक्शन मोटर की तीन फेज होते हैं कौन कौन से होते हैं आर वाई बी रेड येलो ब्लू जो हमारी जो आर वाई बी की जो लाइन होती है वो हमारे फेज जो वाइंडिंग्स होती है वो हमारी फेज वाइंडिंग है ना उन हर हर बार यू हैव टू टेक टू वाइंडिंग्स टू कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन देम मतलब आप पहले आर और वाई को कंसीडर करोगे एंड यू विल टेक दैट फेज आर एंड वाई ठीक है देन कनेक्ट इट टू मेकअ एंड यू विल कैलकुलेट उसी तरीके से आप आर एंड वाई वाई एन बी बी एंड आर इस सिक्वेंस में आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो ठीक है एंड फिर लास्ट में यू कैन ऑल्सो कॉल कैलकुलेट फेस वाइंडिंग मीन्स आप कोई भी एक वाइंडिंग लो आर ले लो कंसिडर करो ऑन देन अर्थ और आप इन दोनों से भी कैलकुलेट कर सकते हो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत लो है दैट इंडिकेट दैट योर इंसुलेशन इज़ गोइंग टू बी डैमेज और इट्स हैविंग सम प्रॉब्लम्स इन इंसुलेशन या तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यू नो इफ़ योर वैल्यू रेजिस्टेंस इज लो देन इट इंडिकेट्स दैट देर इज सम प्रॉब्लम्स इन योर इंसुलेशन सी, एज यू कैन सी द डायग्राम मोटो है ठीक है उसकी तीन वाइंडिंग लगी हुई है U1, V1 वी वन एंड डब्ल्यू वन यू आर वाई बी यू कैन कंसिडर दैट ओके ना मेगर इंसुलेशन टेस्टर ठीक है तो यहाँ पे एक वाइंडिंग हमने मोटर को कनेक्ट की है और दूसरी वाइंडिंग हमने मोटर के बॉडी को कनेक्ट की है सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द इंसुलेशन रेजिस्टेंस और ऐसा भी हो सकता है कि जो मोटर बॉडी को कनेक्ट है उसको आप V1 में कनेक्ट कर दो देन यू कैन कैलकुलेट द फेस वाइंडिंग मतलब अब अब फेज वोल्टेज जो होती है दोनों के बीच में कितना है है ना कितना रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में दो वाइंडिंग दो के बीच में कितनी रेजिस्टेंस है वो भी आप इसे चेक कर सकते हो ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू डू दैट इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो हम एमेगा से कम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए आपको um, 500 वोल्ट डीसी जो है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ता है ठीक है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड बाय अ मेगर डेवलपिंग नॉट लेस देन 500 वोल्ट डीसी आपको 500 वोल्ट डीसी पे आपको जो मोटर है उसको टेस्ट करना है नाउ टू टर्मिनल ऑफ द मेगर आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स दैट अभी ऐसे दिख ही रहा है कि एज यू कैन सी द डायग्राम कि मेगर के दो टर्मिनल्स को आप मोटर के दो वाइंडिंग फेज वाइंडिंग जैसे आर एंड वाई को आप कनेक्ट कर सकते हो ठीक है इसमें डायग्राम में एज शोन है कि एक वाइंडिंग को कनेक्ट है और एक मोटर बॉडी को कनेक्ट है बट इफ़ यू अज्यूम कि जो मोटर बॉडी की जो लाइन जा रही है अगर उसे हमने V1 में कनेक्ट किया ठीक है और उसका जो नीचे का जो ये पार्ट है इसको हमने ओपन रखा है आर केप ओपन हैंडल ऑफ द मेगर अब जो मेगर का हैंडल है ये जो हैंडल है ये हैंड रिवन है उसको हम लोग कॉन्स्टेंट एक स्पीड में मूव करेंगे ठीक है द मेगर इज मूव्ड एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड देन उससे जो मेगर का डायल है क्योंकि अब ये एक इलेक्ट्रो में जो मतलब मशीन है इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें डायल लगा हुआ है जो कि पॉइंटर विच विल डिफ्लेक्ट और ये आपको आई आर मतलब इंस्टोलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएगा ठीक है उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये आप रिपीट करोगे दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड फॉर अदर टू फेज ना फिर अब W1 वन से रिमूव करके आप वी वन एंड बॉडी से आप रिमूव करके यू वन वी वन एंड यू वन पे आप टर्मिनल पे कनेक्ट करोगे मेगर के दो टर्मिनल को और फिर यू कैन कैलकुलेट इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन यू वी वन एंड यू वन ओके तो वैल्यू है रेजिस्टेंस की तो वैल्यू है तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की उसकी वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन वन मेगा ओम वन मेगा ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्योंकि अगर वन मेगा ओम से ज़्यादा रही तो इट कैन डैमेज योर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ठीक है देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर देखो एक चार्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि हाउ यू कैन कंसिडर दैट योर इंसुलेशन इज गुड और नॉट अगर आपका जो इंसुलेशन है वो दो मेगा ओम या उससे कम है है न तो इंसुलेशन लेवल इज कंसिडर टू बी बैड एंड अगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मोटर का हंड्रेड मेगा ओम से या उससे ज्यादा है देन इट इज कंसिडर्ड एज एक्सिलेंट सो योर इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन वन मेगा ओम वन मेगा ओम से अगर लेस देन रही देन एट इज द पुअर क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस सो वी हैव लर्न इज दिस वीडियो द रूटीन Testing on induction motor that is measurement of insulation resistance and measurement of uh, DC resistance PO map, PO1, two, three and PSO1 next slide will be on the next three type of routine type of induction motor so we will continue this routine test thank you